मंचलों की कहा, सुन लो बात से कोड़ी हो गए। देखो तीन मंचले तीन टन के, एक अंधा, एक गंजा और एक कोढ़ी। एक मैडम स्कूल को पढ़ाने जाती थी तो एक गुमटी थी पान की, बहें पे बैठे और जब मैडम को आते देखे तो गाना जानतो का गम, बाल एक ना ही खपड़ी, शुरुआत बही करे गंजा, बाल एक खपड़ी में गाता क्या है, ये रेशमी जुल्फे बाल एक ना एकदम बंद गोभी और गाना ये रेशमी जुल्फे, तो अंधा बोल पड़े स्वर में स्वर मिला के, ये सर्व की आंखें तो कोड़ी कर, तो हमें देख कर जी रहे हैं, हमें देख कर जी रहे हैं सभी, एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे लोगों को का दिखाई पड़त, और तब तक एक ट्रक वाला निकला और लोडिंग था बहुत, हारन मारन जी वो नाई सुने तीनों तीनों चले जाए बने खबूचर, तो जब ट्रक वाले नाई हटे तो सड़ाक से पड़ोस से निकला सड़ाक, जैसे सड़ाक से निकला तो गंजा एक्शन में बोला देखा सब मांग बिगाड़ गया, बोला मांग बिगड़ गया, तो कोढ़ी बोला का लपक पकड़े का कोड़ चुचाए, मेरे भाई चला चला न जाए का पकड़ने का ट्रक को, तो अंधा बोला पकड़ का करियो नंबर हमने नोट कर लिया, जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। ये है मंचलों की कहानी। खैर बासु कोढ़ी हो गए, बासु कोढ़ी हो गए भैया, जब कोढ़ी हो गए काया कोढ़ी देख कर शेष भये दिलगीर, और मंगलन के भी चर गए बहई नयन चैनी, इसको प्रसाद दे दो बिटिया को, भाई प्रसाद दो आले बिटिया है, हाँ ये प्रदीप राज प्रदीप श्री किस्मत जीवन मंगल में जयकारा लगा दो बोलो गुरुदेव भगवान की। अच्छा के भैया ये आगे इतनी टिपरी कहाँ है छोड़े हम, इसको बढ़ के बैठो आप लोग, हाँ ये टिपरी आगे बढ़ो थोड़ा थोड़ा, बासु कोढ़ी हो गए काया कोढ़ी देख कर शेष भये दिलगीर, और मंगलन के भी चर गए बहई नयन तेनी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बिटिया ने जब देखा पिता को, पिता देख के सुता नमल दे चादर ओढ़ी, और शेष कहे जे कौन घर में जई देख के हुई गए कोनी, नारी ब्यान कर शाप पति कन्या आपकी, और तुम्हें लगो मनसा को पाप, अमृत मिले तो पति स्नान करो तो काया सुंदर होवेगी। बासु कहने लगे लेकिन अमृत मिले कहाँ, तो नागिनी ने बताया स्वामी अमृत कुमा पिया पारच के, लेकिन पहरेदार परिचत बापे, अरे पहरेदार परिचत बापे जो भाती बल धारी में, मंत्र का चेला है, अरे गुरु जन मंत्र का चेला है, तुझे विद्या तुम्हारी है, नमल दे पास में बैठी की बोली पिता नमल दे बिछन कहा मुश्किल,
मैं अमृत लाऊंगी भर के, कहीं बासुक ने समझाया कुमार तू मत अमृत को जाए, तेरे सबब परी छत्र हमसे रख तो बैर शबायो, आज मैं जो कश्मीर बुलायो बंदो। आज जैसे बताया नागिनी ने कि अमृत का जो कुंड है वो अर्जुन के वहां है, नागिन वो नवल के पास में बैठी जो बोली पिता मैं लाऊंगी अमृत, और मैंने उस दिन बोला था भैया जितना एक बिटिया आपने माँ बाप के लिए कर सकती है बेटा कभी नहीं कर सकता जितना एक बिटिया कर सकती, इसलिए बिटिया से कभी घृणा मत करना, और बेटा एक कुल का उद्धार करता है बिटिया दो कुलों का उद्धार करती। मैंने उस दिन बोला भी था, गीत बार बार सुनाते नहीं बनता है भैया लोग के बाहर रोज रोज सुनाऊं तो आओ ध्यान से नमल से बोल पड़े आए पिता सुन के बचन नमल दे बोली पिताजी और छाती फटत सात तन दे के अरे छाती फटत सात तन दे के बचन मैं लाऊंगी तेरे जिए के काज पिताजी अरे तेरे जिए के काज पिताजी मैं नागन बन जाऊंगी वासुक ने कहा बिटिया सुनो पिता जो तू नागन बन जाए पकड़ लेगा तुझे बीन बजाए पखेरू बन कर जो उड़ जाए बाज बन के महले दबाए गुरुधन मंत्र का चेला है पर न बांसे पावो आज ने जो कश्मीर बुलाए बंदो। आज कहाँ बिटिया यदि तुम नबल देने के पिताजी मैं नागिनी तो कबो सपेरा बनेगा अरे का मैं तो कबाज बन जाएगा अटबम बड़बम सनबम समझ रखा धनमंत्री का चेला है नबल दे आए पिता ऋषि भाई कुमार उमर की थोड़ी पिताजी और जो मैं कन्या पिता आपकी अरे जो मैं कन्या पिता आपकी तो अमृत भर लाऊंगी कौन परीक्षत है वो कितना अरे कौन परीक्षत है वो कितना बाकी हाथ न आऊंगी नमानी मगननी ने बात घड़ा ले लीनो आपन हाथ चली वो मन में तामस खाए पहुंच गई अमृत सर पे जाए लख के दाम खड़ा को नागन सहज डूब पायो आज मैं जो कश्मीर बुलायो बंदो। आज नबल दे नहीं मानी और बोली पिताजी मैं जाऊंगी घड़ा हाथ में ले लिया चल पड़ी अमृत कुंड पे आई गाँव बढ़िया था परिषद खेल रहे थे जाकर के घड़े को डुबाया और जैसे डूब डूब की आवाज हुई परिषद दौड़ के आ गए सुन के वीर परिषद आयो क्या बोला
और किन की नारी कौन की चिड़िया, अरे किन की नारी कौन की चिड़िया, कम से गजबिनी आई है। एक निडर भरी रही अमृत, अरे भी कह निडर भरी रही अमृत, लेकिन दमसत खाई है। किन की है प्राणन प्यारी, नमल देने फिर पुचारी, पिता में हूँ बासुक नल की, बिगर गई काया बाबुल की, अमृत लेना उन्हें के खातिन हम यना पर आई, आज उन्हें जो कश्मीर बुलाए, बंदो आज जैसे घड़े को डुबाया डुब डुब की आवाज भी परिचित आ गए। इक्यावन मुद्राएं रोल यादव, ये बिटिया की तरफ, अच्छा ये बिटिया की तरफ से आशीर्वाद के रूप में देखो, एक बहन का आशीर्वाद भाई के लिए बहुत बड़ा काम करता है। बिटिया की तरफ से इक्यावन मुद्राएं हमारे लिए, ईश्वर शक्ति भक्ति प्रदान करें। जयकारा लगा दो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भैया जयकारा बड़ा स्वस्थ लगा रहे तो आज ये बड़ा दहकाते हैं। जयकारा लगा दो, बोलो गुरुदेव भगवान की। मेरे भाई परिषद दौड़ के आ गया, बोलो कौन, किसकी पुत्री किसकी स्त्री कौन है, तो बोल। तो बताया मैं बासु की बिटिया हूँ। हाय बासु का नाम सुना, क्या बोला, निर्गुण है क्या बोला, तो तू मेरी पत्नी है, फौरन हाथ पकड़ना चाह, क्या बोला, अरे मिल ना हुए तो मिल लो सखी, अरे मिल ना हुए तो मिल लो सखी, परदेसिया बलम घर जाए के परी, मिलना हुए तो मिल लो सखी, मिलना हुए तो मिल लो सखी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी। मात पिता अरु कुटुम कबीला, मात पिता अरु कुटुम कबीला, मात पिता अरु कुटुम कबीला, से नाता तोड़क परी, परदेसिया 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 बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम घर जाएंगे परी, परदेसिया बलम
भगवान की। बंदो, जैसे वासु का नाम सुना वैसे नमल जी को पकड़ना चाह पकड़ लिया और सीने से लगाना चाह, पकड़ करके सीने से लगाना चाह, वैसे नमल जी नहीं थी विषैली नागन चिहान फेंक दिया। तो एक शिलापट थी उसी के नीचे जाके बैठ गए। परिषद ने सोचा इसने तो अपनी विद्या दिखा दी, अब हमको दिखाना। पौरन गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान किया, हाथ में बीन आ गई, बीन बजाने लगा और सर्प कितना भी विषैला हो बीन की आवाज में रुकी नहीं सकत। जैसे आवाज कानों में पड़ी सुनी के लंगर नागिनी निकली, लेकिन नागिनी बन के नहीं, बन के सुबह करी बाहर को, अरे बन के सुबह करी बाहर को शिष्टता भी जा तुम्हारी। बन के बाज परी तक झपटो, अरे बन के बाज परी तक झपटो पंज में जय लाए प्यारी। बन के बाज परी तक झपटो, अरे पंजों में गई नहीं प्यारी। पकड़ लियो हाल त्याग तन बाह क्रिया बन गई, धूप को तिर बाचा दे गई, अमृत से पति जल जी आऊ तम मत घब रही हो, आज मुझे जो कश्मीर बुलाए बंदो। आज नागिनी बनी सपेरा बन गया, तोती बनी तो बाज बन के पकड़ लिया, मछली बनी जाल से पकड़ लिया, अपने भेष में आ गई। बोली स्वामी यदि ऐसी बात है तो अमृत दे आऊं, जरूर वापिस आऊंगी। इतना कह करके चल पड़ी, अपने यहाँ आई, करी के क्रोध पद्मिनी बोली, अरे पहुंची जाए मंगल बासुक के, अरे पहुंची जाए मंगल बासुक के, आगे अमृत धरी जीना। मैं उसे सुफल वही काया, अरे मैं उसे सुफल वही काया, अच्छी बेटी कर जीना। पिता से ऋषि हुए कै बोली, पिता सब पीछे कै कोली, सार पासन में हारी गयो मोय, पिता कह लाज न आई तोय, चारों मुख को नाय देखूंगी, नाय देखूंगी, भारी पाप कमायो, आज मुझे जो कश्मीर बुलाए। बंदो, आज अमृत लाई, स्नान किया, वासुक तारीफों के पुल बांधने लगे। उस समय कहने लगी, पिताजी यदि मेरे से इतने स्नेह जोड़ते थे आप तो मेरी बाजी न लगाए होते, और जब हार गए हो तो मेरे पति से मुझे छुपा रहे हो, इसलिए अधर्मी बाप में तेरा मुख नहीं देखना चाहता। फौरन वहां से चल पड़ी और परिचित रास्ता देखा, आ भाई ना आ भाई, आ भाई ना आ भाई, इंतजार के पल बड़े महंगे पड़ जाते हैं। हाँ, इंतजार के पल बड़े महंगे पड़ जाते हैं भैया,
भैया कार्यक्रम बंद माने गए थे, कितना समय है? ये कार्यक्रम जनवरी में होना था, क्यों भैया? जनवरी में होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो इधर हुआ, बंधवा के आए होंगे। ये कार्यक्रम फोन से ही आपने संपर्क किया, वहाँ पे पहुँचे तो इष्ट मित्रों को बताया होगा, पहलाने कथा बांचे को हम बुला रहे हैं, 7 दिन का कार्यक्रम है। एक इंतजार था भगवान की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से निर्विघ्न आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा, अंतिम चरण को आप लोग सफल बना रहे हैं। कहने का मतलब, इंतजार चाहे जिस चीज का हो, बहुत उत्सुकता रहती है व्यक्ति में, प्रिय है इंतजार, प्रतीक्षा किसी चीज का है। गाना सुना है थोड़ा इंतजार का, अब हम काहे कहें, जयकार ला बोलो गुरुदेव भगवान की, इंतजार की बात ही अलग होती। तो अब वो प्रतीक्षा करें, आवे ना आवे, रास्ता देख रहे हैं, देखत बात परिषत सर पे, और देखत बात परिषत चारो, अरे देखत बात परिषत सर पे, कंस कामी आए गई, चंदा सूरज जैसी जोड़ी, अरे चंदा सूरज जैसी जोड़ी, खूब मिलाए गई, नमल के आ गई आ, खुशी से आशिक मशिक अपार, लिए घर पर ही भावर डर, उष्ण लख दोनों का करर, भई फूलन सैया तैयार, बीरे राम कहे दोनों ने, हट मौज मनायो, आज मैं जो कुछ वीर बुलायो, बंधु आज नमल जी आ गई, विवाह कर लिया और प्रेम से रहने लगी। बासु को जब पता चला कि बिटिया ने जाकर के विवाह कर लिया, इतने में शेष महीपने खान पान दियो चार, भोजन हम जा दिन करें, हो नमल जे राज, बाप का है कसाई, प्रण कर लिया बासु को माने बैर, को परिषद को हनिडार, और सबसे बढ़िया नाग भेज दो, जो तो बाबी कारो, कहे भैया तुम ऐसे खइयो काट, काटत ही मर जाए, ऐसे मुंह दो मार, बैरी ना जियई पछारो, सभा में दो भीना डार, प्रथम पुत्र बासु को कुशिधारो, पहला पुत्र तैयार हुआ। कैसे जा रहा है सर्प की चाल तो आप लोगों ने देखी होगी, उड़त जात लहरात पवन सो, हरिन बीती ना पल गुजरा, अरे घरी न बीती ना पल गुजरा, पहुंच गए ओ एक लंगना, झाड़ो सोच रहो बाहर से, अरे झाड़ो सोच रहो बाहर से, काट घर के जामा में, भजन में भर रहो खूब उमंग, पहुंच गयो जहां परिचित राय, पलंग पर बैठो मूड उठाए, उड़ के अन्न गिरो घट भीतर, हमें हिम्मत हारो, ऐसे खार चलो कुछ कारो, आज फिर
प्रथम पुत्र तैयार हुआ, आया जहाँ पे बहन और बहनों ये सोए हुए हैं। जैसे चारपाई पे सेज पे मुख ऊपर को उठाया, नवलदे बड़ी चतुर है, जब शयन करती थी सोचती थी हमारे भैया नागवंशी हैं, कहीं धोखाधड़ी न कर जाएं, तो अन्न के दाने बिखेर लेती थी। जैसे ऊपर को मुंह बढ़ाया, हवा का एक झोंका आ गया, अन्न का दाना जाकर के सर्प के मुख में चला गया। सर्प सोचने लगा, नप को डसूं अन्न अश्राप है, यदि अब राजा को डसता तो अन्न मुझे श्राप देगा, अन्न मुझे श्राप देगा। मेरे भाई ध्यान रखना, एक सर्प की भावना, और आजकल जिस थाली में खाना उसी में छिद्र करना, आजकल का ऐसा जमाना है। कभी आपने दुश्मन से मत डरना, जब डरना तो अपने हितैषी से, जब डरना तो अपने हितैषी से। भैया दुश्मन भी दो प्रकार के होते, एक होता बाहर का दुश्मन और एक होता तुम्हारे अंदर का दुश्मन। जो तुम्हारे अंदर का दुश्मन है ध्यान रखना उससे सदैव होशियार रहो, जिसको अपना हितैषी मानते हो कब वो गद्दारी कर जाए कोई पता नहीं। बालेश्वर दादा ने बड़ा सुंदर भजन दिया, एक लाइन आओ सुन लो, बड़ा सुंदर भाव दिया है, जब डरना तो अपने ही चैसी से। सुनो, दुश्मन मिले सबेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सबेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सबेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, यार ना मिले, यार ना मिले, दुश्मन मिले सबेरे ससुरार मैया साल मिले सर हरिया साले, तिरिया गोरी हो चारी चांदी मिले मिले हीरा मोती, ईटा पत्थर मिले नहीं गली कचनार ना मिले, ईटा पत्थर मिले नहीं गली कचनार ना मिले, ईटा पत्थर मिले नहीं गली कचनार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले। बेटा मिले सागर से जब मिले सुराही धरती के आसमान, होली से जब मिले दिवाली मिले सूरज के चांद, मर्दा ये का मिले हिजरा कई हजार ना मिले, मर्दा ये का मिले हिजरा कई हजार ना मिले, मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतल भी यार ना मिले। बेटा मिले शर्मन जैसा मिले भरसा भाई, हमारा दशा पिता जो मिले मिले यशोदा, पांच
चौपंडा मिले गोरो शाह परिवार ना मिले शिपाशी कहे बलेश्वर गुरु के बिना हो जगत में हासी एक ज्ञानी एका मिले मूर्ख कई हजार नामे ज्ञानी एका मिले मूर्ख कई हजार नामे ज्ञानी एका मिले मूर्ख कई हजार नामे सच्चिदानंद भगवान की। मैं ये बता रहा था जब डरना तो आपने ही तहसी से, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भैया जब कोई घटना घटती उसमें कोई अपना होता है। मैंने बोला था उस दिन यहाँ पे अंग्रेज लाए तो कोई और नहीं लाया था, अपने लोग लाए थे। यहाँ पे मुगल आए कौन लाया, अपने लोग लाए। यहाँ पे तुर्क आए कौन लाए, अपने लोग लाए। अपने में ही एकता नहीं भैया। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा तो वो अपना होगा। समझ में आ रही भैया भैया बात? जब कोई नुकसान पहुँचाएगा तो अपना होगा, पर आया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सर्प की भावना सोचा यदि अब मैं राजा को डसूंगा तो अन्न मुझे श्राप देगा, इसलिए फौरन नप को डसू अन्न अश्राप। इसलिए उल्टे बगल चलो पीछे को, अरे उल्टे बगल चलो पीछे को, शीश को नायो पक्का मालिक हो राजा से, अरे पक्का मालिक हो राजा से, जाकर बैन सुनायो मैं यो बास तुने साप अपार, आज से हूँ तुम मक्कार, सभा में फिर दोगी ना डर, खाए कर तक्षक भो तैयार, सजी कह कुमर उठो बासुक को, मुँह में भारी हूँ तारो, आज कह थार चलो कुछ कारो, बंधु आज प्रथम पुत्र ने जाकर के बताया, बोला पिताजी हम डस लेते हैं, लेकिन अन्न का दाना मुख में चला गया था। बासु को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, चल दुमा बन जा। तभी से दुमा सर्पों का वंश चला। फिर बीना डारी अब की बार तक्षक तैयार हुआ, लेकिन तक्षक जो है राजा के राज दरबार में नहीं गया, बगिया में पहुंच गया। पहुंचो जाए चमन राजा के, सुंदर बेर अनोखो बनकर, हर सुंदर बेर अनोखो बनकर, लागो जाकर डाली में, देखत सुघर तबियत हुए राजी, अरे देखत सुघर तबियत हुए राजी, तन मन अर्पित लाली पे, सुबह बागवान आया आहा, निगाह जब पड़ गए मानी, करी तैयारी डाली की, उष्णा डाली पर तैयार,
ले गयो राजा के दरबार। हंस के हाथ भूप ने लीनी जागो दिए में प्यारो, आज फैकार चलो पुचकारो। बंधु आज बेर बन गया, भगिया में लगा हुआ है। सुबह माली आया, बेर बढ़िया है, उसने तोड़ा, सोचा राजा के वहां ले जाएंगे, पता नहीं क्या खुश होके दे दे। जैसे राजा के पास में बेर ले गए, राजा ने कहा भाई बेर बढ़िया, हम पे नहीं रानी पे दे आओ। इतनी बहने हैं, कौन ऐसी बहन है जो आपने भैया को न पहचान ले, अपने भैया को न पहचान ले। जैसे आज बेर नमलदे के हाथ में आया, हुए कहे प्रसन्न भेज दे महल। नमलदे ने देखा, बोली भैया तुम, अरे देखती पर रख नमलदे लीन, देखती पर रख नमलदे लीन, पीरन मंगलन आयो है। अरे राखो लाज मेरी चुड़ियन पे, अरे राखो लाज मेरी चुड़ियन पे, विष कहाँ धरी आयो मैं। भैया मेरी मत दियो यहाँ से भाग, हाथ में तेरो मेरो सुहाग, बुलायो कंठ पलंग दियो डार, भैर नाम है मेरे मर चार, जुलमी आए गयो मंगलन में, नीचे पग मत धारो, आज से खार चलो पुचकारो। बेर को जैसे देखा जान गई, बोली भैया आप, एक मैरी टेप से था उसमें बेर को रख दिया, आपने पति के पास में आई। बोली स्वामी हमारा भैया आया है, कब धोखाधारी कर जाए कोई पता नहीं, इसलिए आपको मेरी सौगंध है, आज पृथ्वी पे पैर नहीं रखोगे, बारिश समय हम आप जान जाए कोई दुश्मन है तो पहले उसे मार गिराएंगे, लेकिन वो समय था जो जिसके गृहस्थ आश्रम में दुश्मन भी आ जाए उसके संग में विश्वासघाती नहीं होती थी।